बलोच है। मेरा ताल्लुक पसनी ज़िले गवादर बलूचिस्तान से है। मैंने एड मैट्रिक तक यही पसनी में ही पढ़ा है। उसके बाद मैंने इंटर कराची से की है। मैंने यूओबी से यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से मैंने बीए किया ग्रेजुएशन, और फिर अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर में मेरा फ़ाइनल ईयर है। मैं मास्टर्स कर रही हूँ उसमें। जिस वक्त मैं इंटर कर रही थी तो हमारे इलाके में उस वक्त बच्चियाँ नहीं पढ़ती हैं। मेरे अपने घर में मेरे अपने कज़न वगैरह थे ना, उनको मेरे मामू वगैरह ने स्कूल से निकाल दिया था कि लड़कियों पढ़ के क्या करोगी। लेकिन ये कि मेरे अब्बू ने, मेरी अपनी कोशिश थी, मेरे टीचर्स अच्छे थे, उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ पढ़ो। तो जब मैंने पढ़ाई की तो मैं आई तो कुछ लोग बोलते थे लड़का बन गई हो, अब तुम पढ़ रही हो, अभी दूसरे शहर उसके अब्बू ने तो उसको लड़का बना दिया है। मतलब इस तरह के मैंने अपने फैमिली में ये बातें सुनी और दोस्तों ने, लेकिन इसको मैंने काउंटर किया। काउंटर इस सूरत में किया कि मैं अपने मेरे मोहल्ले में जो थी लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, उनको अभी तक वो बहुत सी चीज़ों से अब भी इस दौर में भी दूर है। तो मैं उनके पास जाती थी, उनके अम्मी वगैरह से मैं बात करती थी। मैं कहती थी नहीं इनको पढ़ाओ, मतलब आप कराची नहीं भेज सकते, तुर्बत नहीं भेज सकते, लेकिन पसनी में जितनी तालीम है वो तो दिलाओ इनको। फिर मैंने मतलब एडमिशन्स होते थे, मैंने तो उनके फार्म्स है, मैं खुद जमा कॉलेजेस में लेके जाती थी, जमा कराती थी। इस तरह कभी अपने भाई से बोल दिया, कभी अपने अब्बू से, किसी से भी बोल दिया इनके फार्म जमा करवाए। फिर कुछ ने प्राइवेट एग्ज़ाम्स दिए, कुछ रेगुलर जाते थे। तो इस तरह अब मेरे इलाके की जो लड़कियाँ मतलब वो इंटर तक पढ़ती हैं, उनमें से कुछ आगे गई हैं, तुर्बत यूनिवर्सिटी तक पहुँची हैं। पसनी की तालीम और कराची की तालीम की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें दिखेगा, क्योंकि एक ये थी कि मैं एक बलोच लड़की, मतलब कभी घर से भी नहीं निकली, मतलब अपने गांव में इधर होते हैं तो सर वहां से निकलना, वहां उनके स्कूल्स में जब हमने दाखिला लिया तो हमने तो हर तरह से चैलेंजेस फेस किए। यहाँ से तो फैसिलिटीज़ का, लेकिन वहाँ एज अ बलोच हमने चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होती थी। अच्छा आप लोग तो बलोच हो, अच्छा पढ़ते हो आप लोग, अच्छा आप लोगों को घर वाले छोड़ देते हैं, अच्छा अकेली हो, सिर्फ अब्बू के साथ आई हो। जब मैं कराची गई थी तो मेरा स्टेज हुआ था लियारी में हुआ था। तो लियारी के जो हालात थे ना वो कुछ बेहतर नहीं थे हमसे, शायद कुछ चीज़ों में बेहतर थे लेकिन ज़्यादातर बेहतरी नहीं थी। तो फिर वहाँ पर हम दोस्तों ने मिलके और सीनियर्स लोग थे, तो लियारी लिटरेरी फोरम का इनेकाद हुआ था, तो उस पर मैं लियारी लिटरेरी फोरम में मैं हिस्सा रही। तो लियारी लिटरेरी फोरम में ये था कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते थे लिटरेचर वगैरह पे। तो वहाँ की हमारी जो प्रेसिडेंट थी नाज़िया बलोच जो थी, वो पहले से ही बहुत काफ़ी कामों में इस तरह इंगेज थी। जब सलामती फेलोशिप में वो गई तो फिर उसके बाद उसने मुझे बताया हम इनकलाब के बारे में, पीस विदाउट बॉर्डर्स, शऊर फाउंडेशन के बारे में मुझे बताया कि इस तरह का एक इदारा है जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ को यकजा करके उनके साथ काम करती है और वहाँ पे पीस प्रमोट करती है। मतलब वायलेंस के ख़िलाफ़ उनके पास एक काउंटर नैरेटिव होता है, दैट इज़ पीस, कि पीस हम किस तरह पाकिस्तान के अलग अलग कोने में लेके जा सकते हैं। सलामती फेलोशिप के जो 7 दिन थे, जैसे मैं बोल रही हूँ कि वो लाइफ चेंजिंग थे, मतलब मेरे लिए न्यू थे, बहुत सी न्यू चीज़ें मैंने सीखी। उसमें ये थे कि पाकिस्तान भर के जो थे इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे आए थे, स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा था एक क्रिश्चियन स्कॉलर बैठी हुई है, उसके साथ एक इस्लामिक स्कॉलर बैठा हुआ है। तो और हमारा जो कोर्ट था उसमें यह था कि इस्लामिक स्टूडेंट्स भी थे, लाइक हम कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, हमारे बराबर में इस्लामिक स्टूडेंट्स थे। अब हमारा ये था कि कोई क्लेश हो जाएगा आइडियाज़ पे बात में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमारे जो प्रोग्राम के जो एजेंडास थे वो सारे कोरिलेट कर रहे थे। जैसे कि रिलीजन पे डायलॉग्स हो रहे थे, पीस पे डायलॉग्स हो रहे थे, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन पे डायलॉग्स हो रहे थे। सलामती फेलोशिप से पहले किया जा रहा, शी माइट नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस, जो कि सलामती के बाद आई गेन दैट कॉन्फिडेंस। सलामती फेलोशिप के बाद मैंने इसी तरह कराची में पसनी में ही आके, पसनी में मैं 2-3 दफ़ा, फिर उसके बाद ज़्यादातर पसनी में ही रही। तो फिर पसनी में मैंने ये किया कि उसी तरह मेरे जो फीमेल सर्कल थे, फिर उनको डिफरेंट टॉपिक्स रख के
फिर उस पर हम बात करते थे कि चीज़ों को डिस्कस करना, कि हम अपने चीज़ों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मतलब अब हमारा ये है कि हमें एजुकेशन के लिए ये कि कुछ लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, अब व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, तो उस तरह की सॉल्यूशन, उस तरह की टॉपिक्स कभी ये ताकि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते थे कि वो भी आए हमारे साथ बात करें, डिस्कस करें, चीज़ों को एक सॉल्यूशन दें। तो ये सब चीज़ें की जब मैं सलामती फेलोशिप में जाके आई तो उसमें ये था कि आई वॉज़ इंट्रोड्यूस्ड मोर इनटू माय कम्युनिटी, जो मेरे कम्युनिटी के लोग थे, जो यहाँ के मेरी जितने भी एजुकेटर तबके के लोग थे यहाँ पे, जो टीचर्स थे यहाँ के और फीमेल स्टूडेंट्स या मेरे दोस्त थे, तो उनसे मैं ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई। मतलब दे कॉन्फाइडेड इन मी और उन्होंने मुझ पर और ज़्यादा मतलब भरोसा किया और कॉन्फिडेंस रखा मुझ पर। तो देट वॉज़ द बेस्ट थिंग दैट सलामती फेलोशिप आई हैव डन टू मी।